अगर आप बुजुर्ग के करीब रहते हैं और आपने मदनी यखनी पुलाव की बिरयानी नहीं खाई, मतलब क्या आपने जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं खाया। कुछ दिन पहले मुझे इन लोगों ने इनवाइट किया था, तो मैंने इनको विजिट किया। तो सबसे पहले तो मैं इनके रेट्स की बात करूं, तो इनके रेट्स बहुत ज्यादा रीजनेबल है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँ की इनके रेट जितने कम थे, इनका टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा था। मतलब की होता है ना बहुत सारी जगहों पे की अगर प्राइस कम हो किसी चीज की, तो क्वालिटी और क्वान्टिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। लेकिन लिटरली आई वॉज शॉक्ड की इनका ना ही क्वालिटी में कोई फर्क था, ना ही कोई क्वान्टिटी में फर्क था। बात बताऊँ की जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बाहर जाने में बहुत ज्यादा मसला होता है, तो आप लोग घर बैठे बैठे भी इनकी इसी प्राइस में आप इनकी बिरयानी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इनके रेस्टोरेंट पे बहुत ज्यादा रश था। मतलब मैं इनके कस्टमर वगैरह देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि कैसे मैनेज करते होंगे। लेकिन साथ ही साथ मैंने जब देखा कि इनके पास ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई कि मैंने देखा कि ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे इतने ज्यादा ऑर्डर्स और इतने ज्यादा। खैर, मैं इसी सोच में बैठी थी तो मेरा खाना आ गया। मैंने इनके ऑलमोस्ट सारे ही आइटम ट्राई किए थे, तो जिसमें था अफगानी पुलाव, चिकन पुलाव और चिकन बिरयानी, और साथ में बीफ पुलाव भी था और कुछ शामियां। तो खाना दिखने में तो बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा था, तो मुझसे तो वेट ना हुआ, मैंने लिए अपने खाने की फर्स्ट बाइट। तो मुझे तो खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इनका टेस्ट मुझे बहुत जबरदस्त लगा। मैं आप सबको रात में रिकमेंड करूंगी कि बन्नो पुलाव आए और इनको विजिट करें, उनके खाने को इंजॉय करके जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हामिद रजा मेरा। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आप यहाँ पहली दफा आए या पहले भी आ चुके हैं यहाँ बिरयानी खाने? नहीं, बिरयानी तो हम इनके पास गार्डन टाउन भी पहले खाने जाते रह गए हैं। तो कैसा लगा आपको टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा ख्याल है मुल्तान में इससे अच्छी बिरयानी नहीं है। इससे अच्छी बिरयानी नहीं है, गारंटी है? बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछो, आप जवाब देंगे। जी जी जी। बिरयानी और पुलाव में क्या फर्क होता है? बिरयानी होती है तय वाली, और जो पुलाव होता है, पुलाव इस शक्ल में वाइट होता है। बिरयानी होती है तय वाली जिसमें कलर लगते हैं। ठीक है। कराची बिरयानी। ओके। ये है मदीना यखनी पुलाव, ये इनका यखनी पुलाव। अफगानी भी होता है इनका, और इनका यखनी पुलाव भी होता है। ये यखनी पुलाव है और यखनी पुलाव भी इनका होता है। इनका बहुत अच्छा मयार है, मसाले बहुत अच्छे हैं, घी बहुत अच्छा है, साफ सुथरा निजाम है। सबसे बड़ी बात यह है इनका खाना 7 स्टार का है और पैसे इकोनॉमी क्लास के हैं। खाना 7 क्लास का है और पैसे कम क्लास के।